किया तो सुनाम नाम देंगे इनाम प्रधान साहब की तरफ से टीम को धन्यवाद। तो आप बता रहा दो कंप्यूटर का टाइम है बढ़िया कंप्यूटर सर सर इस टीम को सर इनाम सर आपने तो बोला है बताते हैं चोरी का लाइसेंसी रिवाल्वर माने लाइसेंसी रिवाल्वर जो चोरी गया था मिल गया है। हाँ बड़ा काम है ये। देखिए ये आज 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिसमें रुस्तम पुत्र मुस्लिम ग्राम साहबुद्दीनपुर थाना गोराबाद साहबपुर के रहने वाला है, दीपक यादव पुत्र राजदेव यादव ग्राम हरिकरण पट्टी थाना खिराकत जौनपुर के हैं, हाल पता बघरी थाना गोराबाद साहबपुर जौनपुर। आज जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है इसमें थाना खिराकत थाना सराय ख्वाजा और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त प्रयास करके सीओ सेठी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर किराकत श्री अनिल कुमार सिंह इंस्पेक्टर सराय ख्वाजा श्री राजेश कुमार यादव इन लोगों ने मिलकर के अच्छा प्रयास किया जिसमें 5 अभियुक्तों को पकड़ा और इनके कब्जे से भारी मात्रा में जो है मोबाइल इसके बाद पुरानी एक चोरी की सराय ख्वाजा थाने से जो रिवाल्वर गई थी वो और इनसे लूटे गए बहुत सारे सामान बरामद किए गए हैं जिसमें तमंचे भी हैं। ये नया गैंग था बिल्कुल नया गैंग था जो राह चलते हुए लोगों को लूट रोक कर लूट लेता था और उनसे मोबाइल आदि छीन लेता था और इनका कई थानों में इन्होंने अपराध किए थे। इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी मिली हैं जो लिंक हो गई हैं लाइन बाजार थाने से। तो ये पुलिस का अच्छा गुडवर्क है जिसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने 20,000 रुपये का पुरस्कार से इन लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की है और निश्चित रूप से इस गैंग के पकड़े जाने के बाद इस क्षेत्र में होने वाली लूटपाट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। जो इनका क्राइम करने का तरीका था जैसा मैंने बताया कि ये राह चलते पहले ये देखते थे कि नहीं किसके पास मोबाइल है या किसके आदमी के पास पैसे हो सकते हैं उसे सुनसान स्थान पर रोक लेते थे और उसे तमंचे का भय दिखा करके उससे पैसे और उसके मोबाइल आदि छीन लेते थे। सभी लोग गिरफ्तार किए गए? हाँ सभी लोग गिरफ्तार किए गए।